भगोड़े चौकसी को भारत लाने पर आज होगी बहस। डोमिनिका सरकार की वापस भेजने की दलील, जमानत की अर्जी भी खारिज। त्राल के पास आतंकवादी हमले में बीजेपी के नेता की गोली मारकर हत्या, पत्नी का बयान, कुछ लोगों की आंखों में हम सब खटके। कानपुर में हिस्ट्री शीटर को पुलिस से छुड़ाने वाले बीजेपी नेता पर एक्शन, जिला मंत्री पद से नपे, इनाम का ऐलान और टंगे पोस्टर। कोरोना काल और नौकरियां हो गई लॉक। जी हां, कोरोना की दूसरी मार न सिर्फ जिंदगी पर पड़ी है बल्कि जीने के साधन को भी इसने पूरी तरीके से प्रभावित किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के डेटा के मुताबिक कोरोना काल में देश में करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। उतना ही नहीं, ऐसे लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है जिनकी आय कम हो गई। दूसरी लहर तबाही लेकर आई, लोग घरों में कैद हो गए, बाजार सड़क हर तरफ सन्नाटा पसर गया। जो बाजार गुलजार होते थे वहां ताले लटक गए। एक झटके में लोगों का धंधा बंद हो गया, आमदनी का जरिया खत्म हो गया, कई नौकरी करने वाले बेरोजगार हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में ही 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। यही नहीं, आय में कमी से भी लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। पिछले साल यहाँ होटल्स करीब 6 महीने बंद रहे थे कोविड की वजह से। इस साल भी एक डेढ़ महीने करीब हो गया बंद हुए। अब कितना बंद रहेगा अभी पता नहीं अभी आगे को, और इस तरह से अगर चलता रहा तो हमको आगे होटल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर होटल्स बंद होते हैं आगे, बंद करने पड़ते हैं, तो फिर इसमें मास अनएम्प्लॉयमेंट होना निश्चित है। इसमें कोई वे आउट नहीं है इसके अलावा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल के मुकाबले मई में बेरोजगारी दर बढ़ी है। अप्रैल में जहां 7.97% लोग बेरोजगार थे तो वहीं मई में इसकी संख्या बढ़कर 11.90% हो गई। इंडस्ट्री थोड़ी डाउन हुई लेकिन फिर भी इंडस्ट्री काम कर रही है, 70-80% के ऊपर काम चल रहा है सब इंडस्ट्रीज में, और आने वाले 2-3 महीने के अंदर वापस फूड सेगमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में वापस ये रिवाइवल जॉब्स का हो जाएगा। कारोबारियों का कहना है कि उद्योग धंधे बंद होने से कमर टूट गए हैं, वित्तीय बोझ इतना बढ़ गया है कि कोई नहीं जानता आगे कैसे संभलेगा। अब उन्हें सरकार से मदद का इंतजार है। देश के व्यापारियों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। वहीं दूसरी ओर देश भर में व्यापारी इस समय भयंकर वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, और अब देश भर में व्यापारियों को मजबूर होना पड़ रहा है कि अब वो अपने एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो ओवरहेड्स हैं उनको कम करें, और उस क्रम में मजबूर होकर के ना चाहते हुए भी अब व्यापारियों को अपने यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की छटनी करने पर भी मजबूर होना पड़ेगा। खतरा अभी टला नहीं है, नौकरियां जानी बंद नहीं हुई हैं, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। आज तक ब्यूरो। और चर्चा में शामिल होने के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विशाल कामत जी हैं, डायरेक्टर कामत ग्रुप ऑफ होटल्स, साथ ही अर्जुन निझावन जी हैं, डायरेक्टर निझावन ग्रुप जो कि ट्रैवल से जुड़ी हुई कंपनी है। आलोक जोशी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, देवेंद्र शर्मा जी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, साथ ही संजय अग्रवाल जी जो कि प्रेजिडेंट हैं PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साथ ही CEO पैरामाउंट केबल्स, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अंकित कुमार जी CEO गुजेरो मोबिलिटी जो कि एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी देवेंद्र शर्मा जी का, क्योंकि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जिससे तमाम लोग जुड़े हुए हैं सबसे बड़ा रोजगार का जरिया है, कितना बड़ा नुकसान आप देवेंद्र जी यहां पर मानते हैं पिछले एक साल में इस क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि लगातार जो उत्पादन हो रहा है वो बिक नहीं पा रहा है, मंडियों तक पहुंच नहीं पा रहा है। लगातार ऐसी तस्वीरें हमारे चैनल पर आती हैं जिसमें किसानों को मजबूरन अपनी प्रोड्यूस को फेंकना पड़ता है या फिर उसे नष्ट करना पड़ता है क्योंकि मन मुताबिक पैसे ही नहीं मिलते।
ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि हम जानते हैं पिछले एक साल में अगर एक सेक्टर जो कि बिल्कुल देश के इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट रहा है वो एग्रीकल्चर रहा है। डिस्पाइट जितनी भी आपने क्राइसिस बताए हैं या दिक्कतें बताई हैं किसानों ने फेस की, उसके बावजूद भी हम देखें तो अगर इस साल इकोनॉमी को किसी ने धक्का दिया है या बचाया है या अपने कंधे पर रखा है वो संभाल कर, वो एग्रीकल्चर है। और अभी भी हम देखते हैं जो 2021 के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें 3.6% जो है वो एग्रीकल्चर का है। और ये इंडिकेशन है कि भाई जिस सेक्टर को हमने इतने सालों से इग्नोर किया या हमने सोचा कि वो एक तरह का लेगार्ड है, एक तरह का बर्डन है देश की इकोनॉमी के ऊपर, उसी सेक्टर ने आज देश को अपने कंधों पर खड़ा किया हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है पिछले साल भी, और रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बावजूद भी जो डिमांड है वहां पर बहुत गैप रहा है। हमने देखा है क्योंकि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या मैरिजेस, ये सब जो एक्टिविटी बंद होने से जो उसका मार पड़ी है सीधा, स्पेशली पेरिशेबल जो कमोडिटीज हैं उसके ऊपर मार पड़ी है, चाहे वो टमाटर का किसान हो, आलू का हो, प्याज हो, सब्जियां हो, इवन स्ट्रॉबेरीज हो, ये सब चीजों पे असर उसका पड़ा है। अब देखना ये है कि भाई एक तरफ तो किसान अपने क्षमता के हिसाब से जितना भी पैदा कर सकते हैं उन्होंने देश के लिए किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनको ये मार पड़ी है वही आंकड़े उसमें नजर आते हैं कि भाई अगर हम देश की इकोनॉमी के हालात देखते हैं तो ग्रामीण इलाकों में हम जानते हैं कि वहां वेजेस भी गिरे हैं और वहां पर हम जानते हैं कि फार्म इनकम भी गिरी है। और इसको संभालने के लिए क्या यही जो एक जो रेट ऑफ ग्रोथ जो हम देखते हैं पिछले साल जिस तरीके से एग्रीकल्चर ने सस्टेन किया है, या वो आने वाले सालों में भी सस्टेन करेगा या आने वाले महीनों में भी सस्टेन कर पाएगा अगर यही तरीके जो डिक्लाइन जो हो रहा है वो हो रहा है? क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि जो कोविड था वो गांव में नहीं गया था, लेकिन इस साल सेकेंड वेव में वो गांव में भी पहुंचा है, उसका इम्पैक्ट जो है वो नजर आ गया कि मनरेगा में ही अगर आप देखें तो अप्रैल में मनरेगा में जो जो जॉब क्रिएशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि लोग ही जो उससे अफेक्टेड थे अगर कोविड से या अपनी फैमिलीज को बचाने में तो वो अपना योगदान नहीं दे सके। और अभी ये पैडी की सोइंग जो है वो आने वाली है, शुरू होने वाली है, वहां पर लेबर की कंस्ट्रेंट या लेबर नहीं अवेलेबल होने से कितना इम्पैक्ट आएगा वो तो अभी हम देखेंगे। लेकिन सब समझने वाली बात है कि आज एग्रीकल्चर जो है इट्स ए सेक्टर जिस सस्टेन किया जिसने इकोनॉमी को, लेकिन उसने एक मार भी सही है। और आई थिंक इट इज टाइम कि नेशन रियलाइजेस कि भाई उस सेक्टर को कैसे एक सपोर्ट सिस्टम उसको बिल्डअप किया जाए कि वो आज जो जिस गति से या जिस रेशियो से उसने देश की इकोनॉमी को बूस्ट किया है वो आगे भी आने वाले दिनों में वो करता है। देवेंद्र जी, मनरेगा से ही जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी संजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये जो डेटा आया है सीएमआई की ओर से, साफ तौर पर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर है वो करीब 14% के आसपास है, जून के ये आंकड़े में बता रही हूँ, और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट दर है करीब 10.96%, यानी कि ज्यादा फर्क नहीं, तकरीबन एक ही जैसी स्थिति इस वक्त अर्बन और रूरल दोनों ही एरियाज में है। लेकिन क्या लगता है, लॉकडाउन लगाया जाना और उसके बाद धीरे धीरे जो संशय की स्थिति अनलॉक में भी होती है उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा तबका इससे प्रभावित हो जाता है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि कब वापस उनका रोजगार पटरी पर लौट सकेगा। इसमें मैं उन लोगों को शामिल नहीं कर रही हूं जिनका रोजगार पूरी तरीके से जा चुका है, क्योंकि उनका उनकी जो फैक्ट्री है वो बंद हो चुकी है या फिर उनके जो रोजगार से जुड़े दफ्तर हैं वहां पर उन्हें काम पर वापस नहीं बुलाया गया है, इसमें वो लोग शामिल नहीं है। इसमें मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूं जिनके लिए अब आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अंधकारमय है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कब अनलॉक की पूरी स्थिति आएगी और कब वो वापस रोजगार ढूंढ सकेंगे। ऐसे लोगों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स का अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया जाता है? संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक शायद म्यूट पर है, उसे अनम्यूट कर दीजिए। सॉरी जी जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक तो ये जो देवेंद्र जी ने भी कहा कि पिछले साल हमारा एक मेन स्टे, हमारी पूरी इकोनॉमी का बचाव करने वाला सेक्टर था एग्रीकल्चरल सेक्टर, और उसने जितना बड़ा सपोर्ट दिया है इस साल थोड़ा डर उसके लिए भी पैदा हो चुका है, क्योंकि इस बार टीयर टू टीयर थ्री सिटीज और गांव में भी ये इस बार जो सेकेंड वेव फैला है कोविड का, इसका भी एक अपना बहुत बड़ा रिस्क बन गया है। और इन सब के साथ साथ
शहरों की जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो आपने बताई, सीएमआई का डेटा भी बता रहा है। इस वक्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत ज्यादा जरूरी है और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को थोड़ा और जेनरस होना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि अब लोगों की नौकरियां बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है, बहुत लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जाने के कगार पर है, और ये जो जो बिल्कुल अनऑर्गनाइज सेक्टर में है या डेली वेजर से है उन सब की तो टोटली वो लोग इस वक्त उनका तो पूरा रोजी रोटी इस वक्त खत्म सी हो गई है, क्योंकि वो लोग उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो शहर में रुके या गाँव जाए। अब हर जगह किसी को आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, अगर एक एक हफ्ता करके आप एक्सटेंशन बढ़ाते हैं लॉकडाउन की, उसका कोई इलाज नहीं है। आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी और आपको देख के सिचुएशन फिर हमेशा निर्णय लेना पड़ेगा कि आप इसे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। लेकिन इस सब में जो फिस गया, जो जिन लोगों का कोई जरिया नहीं रहा कमाई का, आज गाँव में फंसे हैं तो समझ नहीं आ रहा, अगर शहर में है तब भी उनकी तकलीफ है। इन सब लोगों के लिए जो अर्बन वर्कर है इनके लिए भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस वक्त बहुत जरूरी है, और ये अच्छे लेवल का होना चाहिए। 1000 रुपए महीना या इस तरह से शायद काम नहीं चल पाएगा। इस बार सरकार को ये जरा डिसीजन ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और बजट के डेफिसिट को देखने की बजाय हमें पूरे जो है देश की एक वेलबींग इकोनॉमी की भी जो है लॉन्ग टर्म वेलबींग कब होगी, जब हमारे लोग किसी लोगों को मिनिमम सपोर्ट दे पाए और वो अपनी खाना पीना तो चला पाए कम से कम, तो ये बहुत जरूरी है और मैं बिल्कुल सपोर्ट। संजय जी, ये मिनिमम सपोर्ट की क्योंकि आपने बात करी यहाँ पर, जो पिछली बार राहत पैकेज का अनाउंसमेंट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था, क्या आप उसे काफी मानते हैं या मनरेगा के अलावा भी कई ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए जो डायरेक्ट इन लोगों तक पहुंच सके जमीनी स्तर पर? क्योंकि मनरेगा में भी इस बार हमने 36% कम पार्टिसिपेशन देखा है। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे वो कोरोना से जूझ रहे थे, उनमें भी संक्रमण फैल चुका था। देखिए, मनरेगा में अभी तक पार्टिसिपेशन कम हुआ है। आप साथ में ये भी देखें कि बजट भी कुछ कम था पिछले साल से जो बजट की फिगर्स थी, लेकिन मनरेगा को तो और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोग अगर अभी सेकंड वेव से जूझ रहे हैं तो वो ठीक है, ठीक भी होंगे, काम पर भी जाएंगे, लेकिन जब काम पर जाना चाहेंगे तब काम मिलना चाहिए, उतना बजट में प्रोविजन होना चाहिए, उतना हम लोग हमारी सरकार को प्रोविजन कर लेना चाहिए। तो हम लोगों का ये कहना है एज एन इंडस्ट्री चैम्बर कि इस वक्त सरकार को बहुत खुले दिल से और खुले हाथों से और डेफिसिट की चिंता ना करते हुए, हमारी इकोनॉमी की बाकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, आज हमारे पास $600 बिलियन का रिजर्व है जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिजर्व में से एक है। एक हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, अभी स्ट्रेंथ को हमें बरकरार रखने के लिए लोगों को भी बचा के रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ज्यादा कंजर्वेटिव होने की जरूरत नहीं है फिस्कल डेफिसिट के नाम पर। फिस्कल डेफिसिट बड़े से बड़ी इकोनॉमीज ने जो सबको पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं, वो खुद इन सब कंट्रीज में अगर आप देखिए, यूएसए में, यूनाइटेड किंगडम में, इन सब देशों ने कितने बड़े इंसेंटिव दिए हैं, और इस वक्त देश को बचाना बहुत जरूरी है। और ये जो पैसा इस वक्त खर्च होगा ये पूरे देश की एक जो एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वेलबींग के लिए भी जरूरी है, ये हमारा मत। विशाल कामत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, डायरेक्टर कामत ग्रुप ऑफ होटल्स। विशाल जी, पिछले साल की तुलना में इस साल संक्रमण को लेकर दरअसल काफी सारी चीजें काफी स्पष्ट हैं, कैसे ये फैलता है, कैसे इससे बचा जाए। आपके होटल ग्रुप ने पिछली बार सफर किया होगा, क्योंकि पिछली बार तो एयरलाइंस भी नहीं खुली हुई थी, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। इस बार कम से कम वो स्थिति नहीं है, ट्रैवलिंग हो रही है। लेकिन जब संक्रमण के बारे में पता है और इसके हम बचने के तरीके जानते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस बार होटल्स को लेकर कुछ चीजों में रियायत हो सकती थी, क्योंकि जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ इस इंडस्ट्री को चलाया जा सकता है? और साथ ही मैं आपसे आंकड़े भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जब सीएमआई का डेटा आता है तब इंडस्ट्री स्पेसिफिक आंकड़े नहीं आते। आपकी इंडस्ट्री को पिछले साल की तुलना में इस साल कितना लॉस हुआ है? जाहिर तौर पर पिछली बार ज्यादा हुआ होगा, कुछ आंकड़े आप दे सकते हैं अगर? नमस्कार मैडम, पहली बात तो एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले लॉकडाउन में हमने ज्यादा सफर नहीं किया, हमने सिर्फ सोचा कि क्या होगा। असली सफरिंग इस सेकेंड वेव में आ रहा है। और क्यों मैं कह रहा हूं ऐसे, जब पहले वेव में हम बंद थे तब सब कुछ बंद था, लोग भी सपोर्टिव थे, लोग भी समझते थे अरे क्या होने वाला है करके। उस पहले जो 3-6 महीने में बहुत सारे लोगों ने एक दूसरों का सहयोग किया, क्योंकि कोई भी बिजनेस भी नहीं कर सकता, घर से निकल नहीं सकता था। अभी क्या है सर, हम एक जीवित मौत एक अगर मैं बोलूं, क्योंकि आपका होटल भी चालू है, आपके खर्चे भी चालू है, आपके खर्चे आपको देने हैं, आपको राहत भी नहीं मिल रही और सेल भी नहीं है।
देखिए मैं बहुत बड़ी चीजें नहीं जानता, मैं सिंपल जानता हूँ जो मेरे ग्रैंडफादर का फिलोसफी था और मेरे फादर जी उसको कंपनी में मैं भी करता हूँ कि हमको हमारा बिजनेस कंडक्ट करने के लिए आपका सिर्फ काम है हमको सहयोग देना, फिर हम हमारा बिजनेस कंडक्ट करेंगे, सेफली करेंगे, सुरक्षित करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री, और मैं सिर्फ होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम एक सर्कस का एक तंबू है, हमारे आजू बाजू अनेक लोग हैं, राइट फ्रॉम वेजिटेबल वेंडर जो भाजी वाला गाड़ी लेके आता है, जो आज आपकी स्टाफ प्रवास करता है काम पे आने के लिए, ये सब इकोनॉमी का एक भाग है। कस्टमर को सिर्फ खाना बनाना है तो एक बहुत छोटा भाग हो गया इस पूरे इकोनॉमिक साइकिल का। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि हमको कहीं भी सेफ, और आज जैसे आपने सही बोला, हम पूरी तरह से जानते हैं कि आज ये बीमारी कैसी होती है, कैसे फैलता है, और मेरे को फक्र है हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की कि हमारे बच्चे लोग अभी डीम्ड नर्स और वार्ड बॉय बन गए, क्योंकि वो बराबर से जानते हैं कैसे सब चीजें को हैंडल करना। और आप देखेंगे कहीं भी होटलों में से आपको इतना ऐसा मेजर लेवल पे आप कभी सुने नहीं होंगे कि इतनी इसकी तादाद फैल चुकी है। क्यों? क्योंकि वी फॉलो ऑल द नॉर्म्स हाइजीन के हिसाब से, मगर इतना करते हुए भी हमारे इंडस्ट्री को पीछे रखा गया है। हम लोग वंदे भारत को हमने सपोर्ट किया, वी शुड हैव बीन गिवन वैक्सीनेशंस फॉर आवर स्टाफ जो वंदे भारत के लिए आ रहे हैं। इतना बड़ा ग्लोबल इनिशिएटिव इन्होंने किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना स्टेट ने ना सेंटर ने सपोर्ट किया। अनेक जो चीजें हैं, राहतें हैं, टैक्सेशन की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल चीजें हमारे बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, लिकर लाइसेंसेस के ऊपर दबाव डाल डाल के बेच नहीं सकते हम लोग लिकर, मगर लाइसेंस तो ले लिया। होटल बंद है मगर आपने रिन्यूअल्स ले लिए, अनेक जो रिन्यूअल्स है उसकी भी अगर माफी दे देते या आपको डिफरेंस दे देते कि बाबा ठीक है जब आप वापस कमा लेंगे तब आप दे दीजिए, मगर ऐसी भी कोई राहत नहीं दी। हर टाइम मैं नहीं चाहता हूँ ग्रांट्स, मगर मैं चाहता हूँ कॉमन सेंस, और हमारे इंडस्ट्री को कोई भी कॉमन सेंस की दृष्टि से देखा नहीं है, और इसके लिए हम और हमारे जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, एंसिलरी बिजनेसेस हैं, हम सब सफर कर रहे हैं इसी में। वैसे ही मूवीज इंडस्ट्री है, मॉल इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ये जो सब इंडस्ट्रीज हैं, आप कितने लोगों को कितना ग्रांट देंगे मैडम? आप क्या देंगे? 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, कितना ग्रांट देंगे? डोंट टीच, एक एक कहावत है मैडम और इसी कहावत पे मैं खत्म करता हूँ, आदमी को एक दिन का मच्छी पकड़ करके मत दीजिए, आप उसको मछुआरा बनाइए, वो जिंदगी भर अपना खाल कर लेगा। ठीक है, बाकी सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर इस खास पेशकश के साथ, देखते रहिए आज तक। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, बात करें किस तरीके से कोरोना काल में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी नौकरियों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। हमारे साथ अर्जुन निझावन जी जुड़े हुए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं निझावन ग्रुप के, जो कि एक ट्रैवल रिलेटेड कंपनी है। अर्जुन जी, क्या आपकी भी परेशानियां विशाल जी की ही तरह है कि इस बार पार्शियली चीजें खुली हुई हैं, यही वजह है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई हैं और आपकी इंडस्ट्री में भी चीजों को संभालना मुश्किल हो रहा है? जी नमस्कार। हमारे ट्रेड में जो चीज संभालने की होती है, जैसे कामत जी ने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया कि पहले एक होप थी कि सब कुछ होगा एंड सब सहयोग होगा, सब आगे बढ़ेंगे, ऑल ऑफ अ सडन अब समझ आ रहा है जो सिचुएशन हो रही है वो इंक्रीज हो जा रही है। ट्रैवल ट्रेड जो होता है 3% प्लस डोनेट करता है GDP को, जो उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, एंड उसके एंड से हमको दिख रहा है कि हमको एंड से सपोर्ट आना चाहिए कि हमको कैसे वो बिजनेस को बढ़ाने और कैसे लेके आने, तो एक फ्रस्ट्रेशन है कि समझ आना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और क्या हमको सपोर्ट मिल सकता है। जो एक होप थी लास्ट ईयर वो लाइक आई सेड वो थोड़ी कम हो गई है, बट उम्मीद यही है कि जो लोग थोड़ा पेंटर ट्रैवल थे या जो रिलेटिव थे जो ट्रैवल करना चाहते, जो बहुत टाइम से एक दूसरे को मिले नहीं है, जो एक सोलो ट्रैवल बड़ा था, जो एक बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रैवल्स आए थे वो हुआ था, और जो हम एक चीज जो एक डेफिनेट हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, एक स्पॉन्टेनियस ट्रैवल जो पहले हुआ करता था ऑब्वियसली वो खत्म हो गया है। जो ट्रेंड अब शुरू आ गया है वो हो गया है कि ऑल ऑफ सडन आप प्लान करके चल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो जॉब्स हो गए, जॉब्स का लॉसेस तो बहुत हुए हैं। अगर रिसेंट एस्टिमेट है 100 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड की लॉस हुआ इन द ट्रैवल इंडस्ट्री, और इंडिया उसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया में जो लोग आते थे, जिन लोगों का ऐसे चलता था, और जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज थी उनमें भी लॉसेज हुए हैं, उसमें भी लोग कम हुए हैं, तो ये जॉब्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। आई थिंक आगे जाके फ्यूचर में जरूर हमें इम्पैक्ट करेगा, बट उम्मीद ये है कि जब एक बार वैक्सीनेशन हो ये पूरा ट्रेंड ठीक हो जाएगा, होपफुली हम लोग बाउंस बैक कर जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे आलोक जोशी जी का रुख करेंगे और जानेंगे कि ओवरऑल इम्पैक्ट अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से कोरोना का पड़ रहा है उससे कैसे उभरा जा सकता है, समझेंगे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हम बात कर रहे हैं कि कैसे कोरोना काल में सबसे बड़ी तलवार इस वक्त नौकरियों पर लटक रही है, कैसे ये संकट लगातार गहराता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त आलोक जोशी जी मौजूद हैं। आलोक जी, जीडीपी का जो ग्राफ है, प्रोजेक्टेड स्कोर नीचे की ओर आ रहा है, ये ग्राफ नीचे की ओर बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर ऊपर की ओर बढ़ रही है। ये जो अर्थव्यवस्था की कोमा जैसी स्थिति है, इस पर कोई वेंटिलेटर काम करेगा भी या नहीं? देखिए, ये स्थिति जो है वो तो दिख रही है, आपने बताया जो आंकड़ा। उसके अलावा इसमें जो बहुत खतरनाक चीजें हैं वो ये हैं कि ऐसे में अमीरों की गिनती बढ़ती जा रही है देश में, कॉरपोरेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अभी हमने कामत साहब से सुना, संजय जी से सुना, लेकिन जो बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया है पिछले साल भर में, और वो उछाल की वजह उनका कोई कारोबार बढ़ना नहीं है, उनकी उसकी वजह है कॉस्ट कटिंग करना, जिसकी तरफ कामत साहब ने इशारा किया था कि मजबूरी होगी तो हमको भी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। उन कंपनियों ने अपनी बहुत कॉस्ट कटिंग की है और इससे उन्होंने अपना मुनाफा बढ़ा लिया है। अब जो हालत है इसमें, इस महीने, मई के महीने, पिछले महीने में 1.5 करोड़ रोजगार इस देश में, करीब 39 करोड़ लोग रोजगार में थे 2 महीने पहले, अभी 37.5 करोड़ के आसपास वो संख्या रह गई है, जिसमें से नौकरी पेशा लोग होंगे करीब 7 करोड़। नौकरी पेशा लोग भी पिछले एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गंवा चुके हैं, जो कि बहुत खतरनाक आंकड़ा है, और हर महीने ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चिंता की बात यह है, सीएमआई का आंकड़ा देखें, ये बात एकदम सही कही गई कि आप सिर्फ गरीबों को नहीं, आपको अब मिडिल क्लास को भी राहत देने की जरूरत पड़ेगी, मदद देने, मतलब राहत का अर्थ कोई टैक्स में छूट वूट नहीं, आपको सीधे उनकी जेब में पैसा डालने की जरूरत पड़ेगी, और 1000-2000 से काम नहीं चलेगा। इसलिए सरकार को एक बार जी कड़ा करना पड़ेगा। 3-4 दिन पहले उदय कोटक जी ने, जो उस वक्त तक सीआईआई के प्रेसिडेंट थे, बड़े नामी गिरामी बैंकर हैं, इस सरकार के बड़े समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने सरकार से कहा कि अब नहीं तो कब, और अब वक्त आ गया है कि आप बड़े पैमाने पर नोट छापें और पैसा बांटें, बिल्कुल वैसे जैसे अमेरिका की सरकार कर रही है पिछले साल भर से, ब्रिटेन की सरकार कर रही है, जर्मनी की सरकार कर रही है, तमाम देशों ने किया है। मुझे लगता है उम्मीद ये थी कि इकोनॉमी वापस पटरी पे लौटने लगेगी तब ये काम किया जाएगा, और अब इस वक्त पटरी पे लौटने के लक्षण दिख नहीं रहे हैं, संकट गहरा रहा है अगर सरकार ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कर सके, वो इन्वेस्टमेंट कर सके। आम आदमी इस हालत में नहीं है, उसकी जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बचत में से निकाले खर्च करे, उल्टे वो डर गया है, उसको लगता है जो पैसा है इसको बचा के रखो, तो वो खर्च करने निकल नहीं रहा है। गरीब आदमी को जो पैसा मिलता है वो जाके खर्च कर देता है, लेकिन उसको जितना मिला है उतने से इकोनॉमी में धक्का लगेगा ये संभव नहीं है। इसलिए इस वक्त रास्ता एक ही है, सरकार को करना पड़ेगा और बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा, जी कड़ा करके करना पड़ेगा, सारे घाटे, फिस्कल डेफिसिट और दुनिया की आलोचना और रेटिंग की चिंताएं त्यागनी पड़ेंगी। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अंकित कुमार जी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुजेरो मोबिलिटी के सीईओ हैं। अंकित जी, 2020 विजवी 2021 आपके सेक्टर ने किस तरीके से डिमांड और सप्लाई का लुका छिपी का खेल देखा है, क्योंकि पिछले साल स्थिति अलग थी, इस बार सेकेंड वेव के बाद स्थिति अलग है? बिल्कुल नया। इनफैक्ट पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें पड़ा था, बिकॉज नेशन वाइड लॉकडाउन था, एंड प्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लॉजिस्टिक्स, और पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स ब्रेकडाउन हो जाता है और उसको वापस आने में 6-7 महीने लग जाते हैं। इस बार भी सिमिलर वे में हमारे साथ हो रहा है कि लॉजिस्टिक्स कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो चुका है, डिमांड है हमारे पास बहुत ज़्यादा बट सप्लाई नहीं हो पा रही है, कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चंस आ जाती हैं और चैलेंजेस वहीं पे आनी शुरू हो जाती हैं। ऑल्दो अप्रैल का महीना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज हमारी 90% वर्कफोर्स कोविड से लड़ रही थी, थैंकफुली सबके सब वापस आ गए, किसी को कुछ हुआ नहीं और कुछ हानि नहीं हुआ उस तरीके का, लेकिन हमारी डिमांड बहुत 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 ही ज़्यादा नीचे गई। मई के महीने में जैसे थोड़ी बहुत सर्टिनटीज आनी शुरू हुई कि मार्केट खुलने वाला है, चीज़ें आगे ठीक होने वाली हैं वगैरह वगैरह, मार्केट वापस से उसकी तरफ जा रहा है। नाउ अगर आप ऑटोमोबाइल की बात करें, ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकलौती ऐसी सेक्टर है जिसके अंदर जॉब क्रिएशन हो रही है आज के डेट में। हम लोगों को हायर कर रहे हैं, हमने लास्ट मंथ में हमने करीबन अपनी 10% वर्कफोर्स को बढ़ाया है, और ये इसका सिंपल रीज़न यही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
हमारी डिमांड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी इस बार डिमांड सर्च काफ़ी ज़्यादा है, बट वही सप्लाई का सबसे बड़ा इशू आता है, सप्लाई की सबसे बड़ी चैलेंज आ जाती है, बिकॉज एक बार आप लॉजिस्टिक्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, लॉकडाउन में चली जाती है, फिर उसको रिकवर होने में बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाता है। सो वी आर जस्ट वेटिंग कि कैसे लॉजिस्टिक्स सिस्टम धीरे धीरे वापस से ट्रैक पे आए, चीज़ें खुलनी शुरू हो, डीलर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज डीलर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको सस्टेन करना, घर बैठे रहना 2-3 महीने और बिल्कुल जीरो सेल्स करना, इन्वेंट्री को वैसे ही रखना। तो हम लिक्विडेट करा रहे हैं, हम दूसरे तरीके से कोपिंग मैकेनिज्म्स क्रिएट करके ऑनलाइन के थ्रू, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के थ्रू रिव्यू करा के वी आर ट्राइंग टू कोप अप और डीलर को लिक्विडेट कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डीलर सस्टेन कर सके उस चीज़ को। तो कम से कम आपके क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र से थोड़ी राहत की खबर और थोड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। विशाल कामत जी का मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। विशाल जी, अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी रीढ़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माना जाता है, लेकिन कंजम्पशन पैटर्न्स कोरोना काल में चेंज हो रहे हैं, सप्लाई और डिमांड की जो पहले की जो सूरत थी उससे काफी विपरीत स्थिति नजर आती है। ऐसे में अब कैसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें भी अपने आप को अडैप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आगे भी भविष्य कोरोना को लेकर कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। कितनी ज्यादा वेव्स अब आने वाली हैं आने वाले वक्त में, कब इस संक्रमण से पूरी तरह से निजात मिलेगा, ये सबके मन में सवाल है और इससे अभी पूरी तरीके से फैक्ट्स आने में काफी ज्यादा समय भी लग सकता है। ऐसे में आप मानते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी एक तरीके से अपने में बदलाव लाएं ताकि आने वाले वक्त के लिए वो बेटर तरीके से प्रिपेयर हो सके? मैडम, कोई भी देश है ना, एक स्टूल पे जो बैठा रहता है या एक सिंहासन पे बैठा रहता है उसके तीन पैर रहते हैं। वो तीन पैर क्या रहते हैं? एक है मैन्युफैक्चरिंग, एक है एग्रीकल्चर और एक है सर्विसेज इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे ज्यादा आज भारत में ही नहीं अनेक देशों में सबसे मोटा जो पैर रहता है ना वो है सर्विसेज इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री जितनी जोर की मार खाई है, जहां वे कॉल सेंटर लीजिए, हॉस्पिटैलिटी लीजिए, अनेक लीजिए, सर्विस इंडस्ट्री बहुत वास्ट है। वकील और आपका भी एक सर्विस इंडस्ट्री में ही आता है मैडम। ये इंडस्ट्री का इम्पैक्ट इतना भयानक है, जैसे एक जमाने में जब मेरा आपके साथ इंटरव्यू होता तो एक ओबी वैन आता, एक ड्राइवर रहता, दो लड़के रहते, उसको रिप्लेस होके फिर अल्टीमेटली एक छोटा यूनिट आया जहां वो कैमरामैन सेटअप करता, और आज मैं मेरे खुद का कैमरामैन हूँ, खुद का मेकर पार्टिस्ट और खुद आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप ये सोचे कि आपके भी क्षेत्र में कितना बदलाव आया है। इंपॉर्टेंट है कि इस कोरोना के बदलाव को अडेप्ट कैसे किया जाए और कैसे अनेक लोगों को जो एक जगह बेरोजगार हुए उनको रोजगार कैसे दिया जाए। आज हमारे सर ने अभी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का उदाहरण दिया और उसमें बढ़ोतरी आ रही है, मगर कितने लोग आज इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं, कितने लोगों के पास परचेस करने की क्षमता है? 65% जो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, 65% डिमांड ड्रॉप हुआ है व्हाइट गुड्स के, एसी, टीवी, कार्स, अनेक लोगों के। क्यों? क्योंकि लोग पैसे बचा रहे हैं या उनके पास इस बार पैसा नहीं है। जो तब पहले बहुत लोगों को फर्स्ट लॉकडाउन में घर बैठे पगार मिल रहा था, आज नौकरी नहीं है, स्कूल की फीस तो कम हुई नहीं है, आज स्कूल वर्क फ्रॉम होम है, एडुकेट फ्रॉम होम है, मगर फीस तो वही है। तो बोझा जो एक कॉमन मैन के ऊपर है वो तो कॉमन रहा है, वो तो कम हुआ नहीं है। सो सर्विस इंडस्ट्री को अपने को देखना है होलिस्टिक पैटर्न में, उस हिसाब से कि कैसे हम काम करें। ये जो स्टॉप स्टार्ट अभी हमारे सर ने बताया, स्टॉप स्टार्ट का इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। या तो पूरा शटडाउन करो या तो पूरा छोड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम कोरोना का डर is 2% of the population, 1% of the population, 0.5% of population जहां मृत्यु हुई है, जो बीमार पड़े हैं। मगर जो बीमार पड़े नहीं है, जैसे आज तक मेरे को कोरोना नहीं हुआ है, मैं गए एक साल से घूम रहा हूं, मगर मैडम जब मैं बीमार पड़ूंगा तब मैं देखूंगा, मगर आज मैं ऑलरेडी सफर कर रहा हूं और मेरे अनेक जो हजारों कर्मचारी कामत ग्रुप के और लाखों जो हमारी इंडस्ट्री के सफर कर रहे हैं वो रोज सफर कर रहे हैं, उनका क्या? संजय जी, तो एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से सर्विस सेक्टर में हमने देखा कि अधिकांश रूप से बहुत बड़ा डेंट और बहुत बड़ी चोट लगी है, क्योंकि चाहे ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, पिछले साल पूरी तरह से लॉकडाउन ने इनके तमाम जो रिजर्व्स थे उन्हें खत्म सा कर दिया है। इस बार वो रिवाइवल की उम्मीद कर रहे थे, ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जो रिवाइवल की उम्मीद लेकर बैठे थे, लेकिन सेकेंड वेव ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब आने वाले वक्त में एक बेहतर तरीके से कैसे ये इंडस्ट्रीज प्रिपेयर्ड रह सकती हैं? देखिए, इंडस्ट्रीज तो जो अपनी तरफ से उनसे बंद पड़ सकता है, सब लोग कर रहे हैं आज, चाहे हॉस्पिटैलिटी में है, चाहे और सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी के साथ तो जितना बुरा हुआ है शायद किसी भी और सेक्टर के साथ, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन तो सबसे ज्यादा पहले हिट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
लेकिन नुकसान सब तरफ हुआ है, सब लोगों को हो रहा है, और जो भी लोग कर सकते हैं, जो कुछ उनके बस में है वो तो सब करेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो आपदा आई है, ये जो पैंडेमिक आया है, इसको फेस करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, सब जगह सरकारों को खर्च करना पड़ रहा है। सरकारें आगे बढ़ के खर्च कर रही हैं। आज यूएसए, यूके जैसे, या जर्मनी में, यूरोप में, सब जगह एक मेजर तरीका ये है कि सरकार लोगों की सैलरीज कंपनियों के थ्रू दे रही है। अगर 100% नहीं तो 80-90% तक लोगों की सैलरी कंपनियों की सरकार दे रही है लोगों को, ताकि लोगों के घर चल सके। यहाँ पर कोई भी चीज को जब तक अगर हम लोग एक अपने दिमाग से ये डर नहीं निकालेंगे कि हम लोग क्या डेफिसिट कितना है, क्या है, सरकार जब तक ऐसे, अभी मुझसे पहले बोला जोशी जी ने भी बोला कि जब तक नोट नहीं छापने की बात समझेंगे करेंगे तब तक कोई इसका चारा नहीं है। आपको इंडस्ट्री को भी फंडिंग देना पड़ेगा। इंडस्ट्री की इस वक्त इतने बुरे हाल है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये जो लार्जेस्ट कंपनीज इन द कंट्री हैं, इनके प्रॉफिट जो बढ़ रहे हैं, एक कॉस्ट कटिंग इनका कारण है। एक दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है कि सब कमोडिटीज के प्राइस 1.5-2-2.5-3 गुने हो गए हैं। आज स्टील की प्राइस 3 गुनी हो गई है पिछले एक साल से। कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 50-80-90-100% नहीं बढ़ी हो। जितनी भी एमएसएमई है, एक तरफ तो वो जूझ रही है कि उनके पास लेबर आ रही है नहीं आ रही, उनको ऑर्डर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, डिमांड कम है, उनको प्रेशर है फंडिंग का, उस सब के बाद रॉ मटेरियल के प्राइसेस हो गए हैं डबल। जितने भी ये लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट, इन पर हमें कस्टम ड्यूटी को इमीडिएटली जीरो करना पड़ेगा, और जो मेजर आइटम में बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुई है उन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगानी पड़ेगी, ताकि ये सब जो स्मॉल सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, ये सारा का सारा एमएसएमई सेक्टर इस वजह से खत्म हो रहा है कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है या इतनी ज्यादा प्राइस पर है कि यहाँ कर एमएसएमई इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर पा रही। दूसरा, जो सरकारी लोन है, ये 3 लाख करोड़ से बढ़ के 6 लाख करोड़ हो जाने चाहिए एमएसएमई के लिए। जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है उसको इमीडिएटली डबल करना पड़ेगा, तब जाके एमएसएमई सर्वाइव होगा। ठीक है, कुछ सुझाव आपने यहाँ पर दिए। कुछ देर पहले आलोक जी भी कुछ सुझाव दे रहे थे। आलोक जी, आरबीआई की नई पॉलिसी, नई नीति पिछली बार की तुलना में इस बार कैसी होनी चाहिए, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, कि कैसे लोगों में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, कैसे अब लोगों तक, आप खुद कह रहे थे कि डायरेक्ट पैसा पहुंचना चाहिए उनकी जेब तक, ना कि सिर्फ टैक्स कट्स के मामले में, कस्टम ड्यूटी के मामले में, क्योंकि हर तरीके से, हर तरफ से मार उस वर्ग पर सबसे ज्यादा पड़ रही है जो सीधे तौर पर सैलरी लेता था या फिर अपने खर्चे रोज कहीं पर दुकान लगाकर चलाता था। कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के रोजगार प्रभावित हो रहे हैं जो डेली इनकम पर थे या मंथली इनकम पर थे। जी, ये नेहा बिल्कुल एकदम ठीक बात आप कह रही हैं। और अभी मैं एक चीज कह दूं बीच में कि मेरी आवाज में शायद कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा हो, सिग्नल भी ब्रेक हो रहा था, क्योंकि मैं लखनऊ में हूँ। यहाँ अचानक बहुत तेज बारिश और आंधी तूफान जैसी स्थिति शुरू हो गई थी और अभी भी इस वक्त भी चल रही है। और ये अभी आप देवेंद्र शर्मा जी, क्योंकि यहाँ मौजूद हैं, कृषि के जानकार हैं, इस वक्त जो खेती का हाल है, जिसने अभी तक बचा के रखा था, अभी तक वो पॉजिटिव में चल रही थी, वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ रही है। वजह है, गाँव में कोरोना बहुत बुरी तरह फैला हुआ है, जिसकी पूरी तस्वीर सामने नहीं आ रही है, और दूसरा, अब उसका असर खेती के आउटपुट पर साफ साफ दिखाई पड़ेगा। और इसके साथ जब आप कह रहे हैं कि दूसरी वेव, अभी ये वेव थमती हुई दिख रही है, ऐसे दावे फिर से होने लगे हैं कि वेव थम रही है, लेकिन इस वेव का असर भी खत्म हो रहा है, ये एक गंभीर सवाल अभी भी बना हुआ है। आप अभी देखें, पीएमआई डेटा आया है सर्विसेज सेक्टर का, 8 महीने बाद दोबारा उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने लगा है, और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इसमें जो अभी कहा गया कि सरकार को कंपनियों के जरिए तनख्वाह बांटने का इंतजाम करना होगा, तो आपको बताऊं, महिंद्रा ग्रुप ने अपने डीलर्स को कहा, जिस वक्त ये लॉकडाउन पहला शुरू हुआ था, कि आप लोगों के पास अगर पैसे नहीं है तो आप हमसे ले लीजिए, लेकिन अपने यहाँ किसी भी स्टाफ को नौकरी से मत निकालिए, उनकी तनख्वाह मत काटिए, हमारी तरफ से उसकी हम भरपाई करेंगे। अभी टाटा ग्रुप ने कहा है कि साहब, जितने एम्प्लॉयज हमारे, अगर कोरोना की वजह से किसी की मौत हो जाती है, उसके परिवार को रिटायरमेंट तक पूरी तनख्वाह दी जाएगी,
और वो सारी फैसिलिटीज जो उनको नौकरी पर रहते हुए मिलती। बिल्कुल, लेकिन आलोक जी ये तो स्टैंड अलोन एग्जांपल्स हैं, इनको पूरी इंडस्ट्री के लिए कोट नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी रोजगार हैं जिनकी गिनती ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में स्थिति काफी ज्यादा विषम है और इस पर सोचा जाना बहुत बेहतर तरीके से जरूरी भी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उद्धव सरकार ने कोरोना की कहर को देखते हुए यह फैसला लिया है और इसी के साथ देश में अब तक 7 राज्यों की 12वीं की परीक्षा रद्द की जा चुकी है। हालांकि केंद्र की ओर से पहले यह फैसला लिया जा चुका था, लेकिन अब राज्यों पर जब यह फैसला छोड़ा गया है तो एक एक करके सभी राज्य इस पक्ष में हैं कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए, क्योंकि परीक्षाओं को प्रोटोकॉल के साथ कंडक्ट करना संभव नहीं हो पा रहा है। उद्धव सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।